से गांव छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, आज बीमार हो ये शमशाबाद में विधायक राजश्री सिंह ने किया संजय सागर बांध की क्षतिग्रस्त नहर का निरीक्षण, नहर में पानी चालू करने के दिए निर्देश। नरसिंहपुर में प्रेमी जोड़ी ने जहर खाया, युवती ने दम तोड़ा, युवक की हालत बेहद गंभीर। में 53 साल की उम्र में तीसरी बार नर्मदा परिक्रमा कर रहे मुनि विशिष्ट, नर्मदा को बचाने और पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश। छठ की और मेरा यही उद्देश्य मतलब है कि जल है तो जीवन है, इसको जितना सुरक्षित रखो उतना बेहतर है, तो ये आने वाले पीढ़ी के लिए दर्शन है। आज भोपाल में नेशनल स्ट्रीट कारपोरेशन में काम करने वाले इंजीनियर बना ठग, लोन दिलवाने के नाम पर लोगों से करता था ठगी, आरोपी के दो साथी भी गिरफ्तार। राजगढ़ में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा विद्युत बिल की मनमानी राशि और विद्युत अधिकारी से पीड़ित एक परिवार, डीएम को दी आत्महत्या की चेतावनी। बिल लेके इंसानों को मारो या गाइडलाइन बताओ मेरे को, और नहीं तो उसको सस्पेंड करो। अगर ऐसे गाइडलाइन नहीं है क्यों बोला कि मर जाओ डूब के, हम तो मरेंगे डूब के आए तीनों, हमारे बुजुर्ग जो माँ बाप है वो पांडे जी। उमरिया में एक सिरफिरे प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। थाना चलिया के नाम कोई नारी को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि जनक नदी रघुवंशी जो लगभग 20 साल से करीब है उसकी। ओंकारेश्वर में अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशों की हो रही अनदेखी, नर्मदा नदी में श्रद्धालुओं के स्नान पूजन पाठ के लिए कोटी तीर्थ घाट सुरक्षित किए जाने आंदोलन की ये स्थिति है। एसडीएम साहब के कहने से जो व्यापारियों ने आंदोलन किया था कि कोटी तीर्थ घाट को स्नान के लिए आरक्षित किया जाए, आज तक उस पर न तो कार्रवाई हुई है न कोई आदेश का पालन हो रहा है, पूर्ण जवाबदारी नगर पंचायत। उज्जैन में साधु संतों का सातवें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी, बीजेपी और कांग्रेस के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी मिल रहा समर्थन। उज्जैन ये सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जल संरचनाओं के कारण से उज्जैन जाना जाता था, आज गोवर्धन सागर विकास के लिए संतों का रामादल अखाड़ा परिषद ने जो अभियान चलाया था, मैं माननीय सांसद विधायक जी कांग्रेस के नेता। उज्जैन आगर रोड स्थित टाटा कार शोरूम से टेस्ट ड्राइव करने के नाम पर कार लेकर निकले दो बदमाश हुए रफू चक्कर, पुलिस ने जल्द मामले के खुलासे का किया दावा। बाद में गाड़ी लेकर चले गए थे, पन्ना में प्रधानमंत्री आवास योजना को लगाया जा रहा पलीता, एक साल से बिना छत के रहने के लिए मजबूर हैं हितग्राही, शिकायत पर भी नहीं की गई कार्रवाई। कब सेंक्शन हुआ था ये आपको? अधूरा पड़ा हुआ है, अभी तक मकान में छत नहीं है, ऐसा क्यों? डबरा में आवारा पशुओं से परेशान हुए किसान, सीएमओ दिनेश कुमार सोनी को ज्ञापन सौंप कर की मांग, दिन रात खेतों की रखवाली करने को है मजबूर। आवारा मवेशी हैं, वो उनको आके पूछे क्षति पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल उनकी मांग है, मैं उनकी मांग को और उनके उग्र आंदोलन स्वरूप भावना को पूर्ण रूप से। पन्ना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की
ब्रांड एम्बेसडर गौरी ने फिर किया जिले का नाम रोशन। कड़कड़ाती ठंड में उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ चंद्र शिला पर फहराया तिरंगा। बड़वानी में जुलवानिया नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से बिक रहा बायोडीजल, कार्रवाई के बाद भी बेखौफ चल रहा धंधा, अधिकारियों की सख्ती भी काम नहीं आई। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र जैन ने थाना परिसर की खाली भूमि पर 1000 से ज्यादा पौधे लगाकर बनाया कीर्तिमान। पर्यावरण दूत राजेंद्र जैन का पुलिस ने किया सम्मान। कटनी जिला प्रशासन ने पहली बार शुरू की कटनी गौरव सम्मान देने की पहल। जिला कलेक्टर द्वारा निजी स्कूल के संचालक को सम्मान देने पर खड़े हुए सवाल। नहीं, गौरव सम्मान पहली बार दिया जाने का एक हम लोगों ने संकल्प लिया और इसमें जो कलेक्ट्रेट की जो एक कमेटी बनी, उन्होंने सबसे आवेदन लिए, विज्ञप्ति निकाली गई और उसके उज्जैन के तराना के ग्राम दुबली में पटवारी सुजाता राठौर का तबादला होने से ग्रामीणों में आक्रोश। तबादला रोकने अनुविभागीय अधिकारी से की अपील। दुबली में पटवारी हल्का नंबर 15 में पटवारी मेडल है सुजाता राठौर, उनका घर पर रुकवाने के लिए रायगढ़ में नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। दिनांक 23/1/2022 को रात्रि खाना खाकर पीड़िता उनके पिता अलग अलग कमरे में सोए थे। रात्रि करीब 3 बजे पीड़िता अपने भतीजी के साथ दिशा मैदान के लिए आनंद तरफ निकली।